मैं आपको बाजू कटिंग करना सिखा रहा हूँ, जिससे इसका कोट कटा हुआ था। यहाँ से 2 इंची का एक निशान लगा लेना है और यहाँ से फिर इसको सीधा लगा लेना है और यहाँ से भी आपको एक सीधा निशान लगा लेना है। अब देखिए, आपको स्केल में दिखा रहा हूँ कि स्केल कैसे यूज करते हैं। आपको स्केल का भी ठीक है, ये आपका 40 साइज का मैं कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, 40 साइज का आपको जैसे एक मैं थ्योरी बताया हुआ हूँ बाजू किस तरीके से कटिंग करते हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ। तो यहाँ से आपको 20 हो गया, यानी 10 को 40 हो गया, तो ये 5 हो गया, 5 का आधा 2.5 यानी 7.5 इंची हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे एक निशान लगा लेना है यहाँ से आपको, फिर ये जो मारिक है वो इसे इसे रखना है। इसका बाजू बनाने का मकसद ये है कि मैं इसका यानी बैक फ्रंट और स्लीव का भी मैं बना करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ से आप ऐसे लाइन कर देना है, ये हो गया। और यहाँ से ऐसे यानी हम लोग दोनों पीस का
यहाँ पर जो है ज़्यादा अंदर की तरफ से नहीं कटिंग करते हैं, ये जो जितना बाहर आएगा उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको बैक में जैसे बाजू चढ़ाने के टाइम में आपको ये दोनों का मिलना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का जो गोलाई है ये दोनों का गोलाई मिलना चाहिए। ये आपको क्वार्टर इंची दो लाइन अंदर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ से आपको ये मारिक जो है मारिक के ऊपर ऐसे ऐसे बाजू लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये फल जो है ना ये फल बहुत ही अच्छा गिरता है। जब ये ज्वाइंट हो जाएगा तो ये फल सामने की तरफ ऐसे ये टूट जाएगा। ठीक है, जितना ये ऐसे रखेंगे तो मेरे चैनल से जुड़ जाए और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और आपको इसमें पूरा चीज़ का कटिंग मिल जाएगा, तो आप सब मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।